हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी नई रेसिपी वेज मंचूरियन आप सभी के संग शेयर कर रहे हैं। उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो यहाँ पे हमने इंग्रेडिएंट्स ले रखे हैं, ब्रेड क्रम्स 6 to 7 पीसेज ऑफ ब्रेड के, कॉर्नफ्लोर, जिंजर गार्लिक चिलीज, अजीनोमोटो, चिली सॉस, सॉल्ट, सोया सॉस, चिली पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर। यहाँ पे हमने चॉप वेजिटेबल्स लिए हैं जो कि चॉप कैबेज है, चॉप कैरेट, चॉप ऑनियन। हम अपने मंचूरियन बॉल्स की तैयारी करेंगे। उससे पहले हमने जो चॉप वेजिटेबल्स लिए थे आप उसे थोड़ा थोड़ा साइड में निकाल दीजिएगा ग्रेवी के लिए। अब हम एक प्लेट में ये कैबेज लेंगे। अब हम इसमें कैरेट्स और ऑनियंस भी ऐड करेंगे। अब हम इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून। ये हमारे मिक्सचर को बाइंड करने में हेल्प करेगा। अब हम इसमें 1 स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड करेंगे। अब हम इसमें चिली पाउडर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 1/2 स्पून लिया है। अगर आपको ज़्यादा चिली पसंद ना हो तो आप कम डालिएगा। ब्लैक पेपर डालेंगे और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। अब इस पूरे मिक्सचर को हम मिक्स करेंगे और एक डो तैयार करेंगे। अब हमारा मिक्सचर रेडी है। अब हम इस मिक्सचर से बॉल्स बनाएंगे जिसे हम फ्राई करेंगे। हमने यहाँ पे एक कढ़ाई में तेल बैठा दिया है ताकि वो गर्म होता रहे। बॉल्स रेडी हैं, अब हम इसे फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर। अब हमारे बॉल्स गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम सारे बॉल्स फ्राई करेंगे। अब हमारे बॉल्स फ्राई हो गए हैं। कढ़ाई में तेल कम करने के बाद हमने थोड़ा सा ऑयल छोड़ा था। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक और चिलीज डालेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। उसके बाद हम इसमें और वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। इसे स्टिर करेंगे। अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें सारे चॉप वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। यहाँ पे हम ऑनियन, कैबेज और कैरेट ऐड कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से भी वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। इसे डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक हम इसे कुक करेंगे। उसके बाद सॉसेज ऐड करेंगे। अब हम इसमें 2 स्पून सोया सॉस डालेंगे। एक स्पून चिली सॉस, 1/2 स्पून नमक। नमक हमने हमारे बॉल्स में भी डाला था तो नमक आप हिसाब से डालिएगा। 1/2 स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1/2 स्पून चिली पाउडर। यहाँ पे हमने 1 से 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर का घोल बना के रखा था, इसे हम अपने सॉस में ऐड करेंगे। अब इसे स्टिर करेंगे। हमारी ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है। इसमें हम थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा अजीनोमोटो ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे 2 चुटकी डाल ली हूँ। आप चाहें तो ये इसे ना भी डालें, ये ऑप्शनल है। अब हमारी ग्रेवी एकदम रेडी है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब हम इस ग्रेवी में अपने बॉल्स ऐड करेंगे इसको अच्छे से कोट करके। अब हमने इसे एक बोल में निकाल लिया है और अब हम इसे कोरिएंडर लीव से इसकी टॉपिंग करेंगे। तो लीजिए, हमारा वेज मंचूरियन पूरी तरीके से रेडी है। आप इसे फ्राइड राइस के संग भी खा सकते हैं और चाउमिन के संग भी। थैंक यू।